मैं मुस्लिम हूँ, इस वजह से मैं ये सारे टॉपिक्स पर जो टाइटल में आपने पढ़ा है उसके ऊपर वीडियोस नहीं बना सकती। ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है मेरे पिछले वीडियोस के कमेंट सेक्शन में, जिसमें मैंने बताया कि प्यूबिक हेयर को कैसे शेव करते हैं। सबने नहीं किया, ज्यादातर लोगों ने किया, सिर्फ इक्का दुक्का लोगों ने किया, एंड मैंने फिर भी उसको हाईलाइट किया क्योंकि उसने ये कहा है कि मैं मुसलमान हूँ, इस वजह से मैं टॉपिक्स पे नहीं बना सकती। क्या दिमाग है यार, कहाँ से लाते हो ये सब? कौन सिखाता है तुम लोगों को? मैं ये जो बात कह रही हूँ सिर्फ वो बंदी के लिए नहीं कह रही हूँ, उसके ऊपर जो लोगों ने रिप्लाई किया है, जो बंदी को लोगों ने ट्रोल किया है, मैं फर्स्ट टाइम, अल्लाह माफ करे, ऐसी चीज पे मैं खुश हुई हूँ। क्योंकि मैं इसलिए नहीं कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया या आप लोग पॉजिटिव थे, इसलिए कि आप लोगों की थिंकिंग ऐसी नहीं है। हर वो बंदा या बंदी जिसने इसको सपोर्ट किया, हर एक को मैं पर्सनली थैंक यू बोल रही हूँ, और उनके नाम मैंने बकायदा नीचे पिन कमेंट में लिखे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे ताकि वो लोगों को मिल जाए उनके नाम, और मैं हर एक को थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू गाइज। मैंने कभी टॉपिक्स पे वीडियो बनाए नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे चैनल पर रेगुलर थी नहीं, मेरे वीडियोज रेगुलर होते नहीं थे। अभी पिछले एक डेढ़ महीने से, जब से लॉकडाउन हुआ तब से तो मैं रेगुलर हुई हूँ, और उसमें भी एक डेढ़ महीने से मुझे यही कमेंट आ रहे, वजाइना टाइटनिंग, वजाइना लाइटनिंग, वजाइना डिस्चार्ज। तो इसमें तुम मजहब को कहाँ से लेकर आ रहे हो? अगर तुम मुसलमान हो क्या तुम्हारे प्यूबिक हेयर नहीं है? अगर नहीं है तो जाके ट्रीटमेंट कराओ, क्योंकि वो फर्टिलिटी की निशानी है। तो उसी तरह से हर मजहब की औरत को, लड़की को, महिला को ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये सारी चीजें उनके घर में कोई डिस्कस नहीं करता। मेरे साथ खुद ये चीज हुई है, इसीलिए नहीं कि मेरी मम्मी ने शर्मा शर्मा के मेरे साथ में कोई बातें डिस्कस नहीं की। वो खुद बेचारी 24 साल की एज में उसके हस्बैंड ने उसको डिवोर्स दे दिया, उसके चार बच्चे हैं छोटे छोटे, वो सिलाई कर करके अपने बच्चों का पेट पाल रही है, वो ये सब में नहीं थी। तो हमको भी बहुत सारी चीजें नहीं पता चली। आज जो लड़कियां ये सारी चीजें, ये सब मीडियम से आसानी से सीख सकती है, तो तुम क्यों भी बीच में मजहब को लेकर आते हो यार? मैं इसके आगे और कुछ नहीं बोल सकती गाइज। बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इतनी छोटी सोच मत रखो कि मैं मुस्लिम हूं तो मैं टॉपिक शेयर नहीं कर सकती। अब तो मैं ये वीडियो शेयर करूंगी और ऐसे बहुत सारे वीडियो शेयर करूंगी, देखूंगी कि किसको प्रॉब्लम है मेरे मजहब से और ये टॉपिक से रिलेटेड, मैं जब वीडियो शेयर करूंगी उससे। Hey guys, welcome back to my channel, और मैं हूं राबिया। क्या आप भी अपने प्राइवेट पार्ट्स को लाइटन करना चाहते हो? सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स ही नहीं, जहाँ कहीं पे भी हमारी स्किन फोल्ड होती है, जैसे आपके नेक एरिया, अगर कोई ओबीज होता है तो उनका नेक एरिया भी फोल्ड होने लगता है, आपके अंडर आर्म्स फोल्ड हो जाते हैं, और आपकी नीज के पीछे वाला हिस्सा, या फिर आपकी इनर थाइस, जहाँ पे भी हमारी स्किन फोल्ड होती है वो एरिया पिगमेंटेशन डेवलप करने लगती है, और उसको हम स्किन डार्कनिंग बोलते हैं। सिर्फ यही नहीं, हमारे बर्थ और हमारे प्यूबिक एरिया जहाँ पे हम शेविंग करते हैं, डीओ यूज करते हैं, टाइट फिटिंग क्लोथ्स पहनते हैं, स्वेटिंग होती है, कभी कभी फंगल इन्फेक्शन भी होता है, तो ये सारी चीजों की वजह से ही हमारे बर्थ और हमारे प्यूबिक एरिया डार्क होती है। अगर आप इसको लाइटन करना चाहते हो तो सबसे पहला ये सुन लो कि वजाइना की लाइटनिंग नहीं होती है। वजाइना, लोग फीमेल जेनिटेलिया को, उनके पूरे चीज को ही वजाइना कंसिडर करते हैं, जबकि वजाइना पूरे फीमेल जेनिटेलिया का एक पार्ट है, ठीक है? लेकिन कुछ लोग जिनको अगर नॉलेज नहीं होती है वो पूरे एरिया को ही वजाइना कंसिडर करते हैं, जबकि वो लोग भी वजाइना की लाइटनिंग नहीं चाहते, वो लोग ऊपर जो हमारा प्यूबिक एरिया है उसकी लाइटनिंग चाहते हैं। साइंटिफिक टर्म में इसको मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। बहुत से बहुत आप लेबिया, मैचोरा लेबिया, माइनोरा तक जो हमारी स्किन फोल्ड होती है वहां तक पहुंच सकते हो, वजाइना की लाइटनिंग नहीं कर सकते हो। आज जो मैं आपको ट्रीटमेंट बता रही हूँ उसमें मैं आपको एक मास्क बताऊंगी और एक क्रीम बताऊंगी। ये कॉम्बिनेशन से आप सिर्फ एक हफ्ते में इसका डिफरेंस आप अपनी स्किन में देख पाओगे। तो बहुत ज्यादा बकबक हो गई, चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो से। सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा एक मास्क, जिसके लिए आपको लेना है थोड़ा सा दही, फिर ऐड करें इसमें थोड़ा सा लेमन जूस, थोड़ा सा कॉफी पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इसको अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। इसको लेके अभी आपको आपके एक्सफोलिएटेड जो पार्ट है वहां पे अप्लाई करना है। ये सेम चीज आप अपने बट्स पे यूज करो, इनर थाइस पे यूज करो जो एरिया आपकी डार्क हो गई है, या फिर आपके अंडर आर्म्स पे यूज करो, इससे आपके अंडर आर्म्स भी लाइटन हो जाएंगे। आपके नेक वाला एरिया वहां पे आप यूज कर सकते हो जो डार्क हो गया है, या कोई भी पार्ट को, इनफैक्ट आप इसको अपने फेस पे भी यूज कर सकते हो। यस, तो इसको लेके आपको अच्छे से अप्लाई कर लेना है। मुझे पता है ऐसा बैठना बाथरूम में थोड़ा सा बोर हो जाएगा, लेकिन आप मोबाइल वगैरह लेके बैठ जाओ और जो भी आपका फेवरेट शोज है उसको देखते बैठो, और तब तक ये मास्क आपका नीचे काम करता रहेगा। इसमें जो दही है वो आपकी स्किन को माइल्डली एक्सफोलिएट करेगा, स्किन टोन को लाइटन करेगा, इवन करेगा। कॉफी आपकी स्किन को ब्राइटन करेगी, हल्दी आपकी स्किन से जो पिगमेंटेशन है, जो डार्क पैचेस हो गए हैं उसको रिमूव करेगी, और लेमन जूस आपकी स्किन को नेचुरली ब्लीच करेगा, जो बहुत ही ज्यादा माइल्ड है, इतना कोई हार्श नहीं है वो आपकी स्किन के लिए।
ठीक है, उसके बाद में 15 टू 20 मिनट्स के बाद में आप इसको वॉश कर लीजिए। अब फाइनली हम अप्लाई करेंगे एक क्रीम जो आपको रोज लगानी है। मास्क आप डेली यूज करेंगे, यस 7 डेज के लिए बोल रही हूँ मैं, इसलिए आप इसको डेली यूज करें, लेकिन अगर आपको 7 डेज में रिजल्ट नहीं चाहिए, धीरे धीरे चाहिए, तो हफ्ते में 2 बार यूज करें। क्रीम आपको डेली लगानी है फॉर 7 डेज, उसके बाद में भी आप इसको कंटिन्यू रख सकते हो। क्रीम आपको बनानी कैसी है, इसके लिए आपको लेना है थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, और इसमें आपको डालना है बहुत सारे नहीं थोड़े से लौंग, ठीक है, आपको इसमें डाल देना है और इसको बिल्कुल धीमे आंच पे इसको पका लीजिए ढक्कन ढाक के। फिर जैसे ही लौंग की आपको इसमें महक आने लगेगी, ये लौंग थोड़े से जलने जैसे आ जाएंगे, डार्केस्ट ब्राउन हो जाएंगे, तब आप गैस को बंद कर दीजिए और फिर इसको निकाल दीजिए। इसको आप साइड में रख दीजिए और अब एक दूसरे बोल में लीजिए थोड़ा सा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल की जगह पे आप क्यूकम्बर जेल यानी कि खीरे का जेल भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये भी आपके प्राइवेट पार्ट्स को लाइटन करने में हेल्प करेगा, प्लस वो एरिया को सूद करने में हेल्प करेगा, ठंडक आपको बहुत अच्छी महसूस होगी। और ये दोनों भी गुड वाइब्स का है, स्पेशली क्यूकम्बर जेल गुड वाइब्स का मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये इसमें बहुत अच्छी क्यूकम्बर की खीरे की जो फ्रेग्रेंस आती है मुझे बहुत सूदिंग लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो आप ये दोनों में से कोई भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे क्यूकम्बर जेल ले रही हूँ। फिर आपको इसमें ऐड करना है थोड़ा सा लेमन एसेंशियल ऑयल। लेमन जूस की मत इसमें ऐड करो, क्योंकि ये आपको काफी टाइम के लिए स्टोर करना रहेगा, और फिर इसको हम प्राइवेट पार्ट्स पे हमारे अप्लाई करेंगे तो ये आपको आपके स्किन को इरिटेट ना करे। तो ये बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी लगेगी, ये आपके स्किन को ब्लीचिंग वाला इफेक्ट भी दे देगी और आपकी स्किन को इरिटेट भी नहीं करेगी। इसको अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है, और फिर जो हमने ऑयल बनाया था लौंग का उसको आपको इसमें ऐड कर लेना है, और उसको अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। ये रेडी हो गए आपकी स्किन ब्लीचिंग और नेचुरल लाइटनिंग क्रीम, जिसको आप अपने सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स ही नहीं, आप अपने अंडरआर्म्स पे जहाँ पे भी जो जो एरिया मैंने आपको बताया वहाँ हर जगह पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, इसको आपको रात के टाइम पे ही अप्लाई करना है, लेकिन अगर आप मैरिड हो और अगर आप सेक्स वगैरह करते हो तो उसके बाद में आप इसको अप्लाई करेंगे, उसके पहले मत अप्लाई करें, ठीक है। तो ये क्रीम को आपको रात भर ऐसे ही रखना है, और मॉर्निंग में उठ के आप जैसे यूरिन के बाद में वॉश करना होगा तो उसी के साथ आप इसको वॉश कर सकते हो, दैट्स इट। तो बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसको कंटिन्यू रखो, इसको स्टॉप मत करो। और अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे तो आप एटलीस्ट क्रीम बना के यूज करो। और उसके साथ साथ मैंने मेरे एक पिछले वीडियो में आपके साथ में एक लौंग का स्प्रे शेयर किया था, ठीक है, वो आप यूज करो। वो भी खाली बस आपको पहले वो स्प्रे करना है और उसके ऊपर ये क्रीम लगा लेनी है, इससे भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा गाइस। तो ये कुछ मेरे मेथड्स हैं जिससे आप अपने ये सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, स्पेशली आपके प्यूबिक एरिया और आपके बट्स और आपके इनर थाइस, इनको आप लाइटन कर सकते हो। और एक एक बात, जो क्रीम मैंने आपके साथ में शेयर की है वो आप अपने फेस पे भी यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा पिगमेंटेशन के लिए और स्किन की ब्राइटनिंग के लिए और स्किन की लाइटनिंग के लिए भी, ठीक है। बहुत अच्छी लाइटनिंग और ब्लीचिंग वाली क्रीम है, उसको जरूर बना के यूज करें। सो गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक और उससे रिलेटेड बहुत सारी होम रेमेडीज जिसको आप अपनी ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले, उसको अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स सभी के साथ में शेयर करें, क्योंकि ये गर्ल्स बॉयज सभी के लिए है। तो इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलूंगी मेरे अगले वीडियो में ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के साथ में। तब तक ले टेक केयर एंड बाय।